रात के 12 बज रहे थे। राधे श्याम अपनी पड़ोसन राधिका से मिलने उसके घर गया हुआ था और 61-62 गेम खेल रहा था। तभी अचानक इसी बीच उसकी पड़ोसन की ननंद गुड़िया भी वहां पर पहुंच गई और भाभी को उसके जवान पड़ोसी के साथ 61-62 करते हुए आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। अब जैसे ही गुड़िया कुछ देर तक अपनी भाभी को जवान पड़ोसी के बाहों में झूला झूलते हुए देखी तो उसका भी मन डोल गया और वह अपनी भाभी के प्रेमी राधेश्याम के साथ 61-62 गेम खेलने के लिए बेताब हो गई। मगर करे तो क्या करे, बेचारी उसकी भाभी जो पड़ोसी के साथ धंधर थी इसलिए वह कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप वहां से वापस मन मारकर अपने रूम में चली आई और बिस्तर पर लेटकर भाभी के जवान प्रेमी राधेश्याम से मिलने के लिए प्लान बनाने लगी। क्योंकि इस बीच गुड़िया भाभी को जवान पड़ोसी के साथ 61-62 गेम खेलते हुए देखकर इस कदर मदहोश हो गई थी कि अब उसे अपनी भाभी के प्रेमी राधेश्याम के साथ 61-62 गेम खेलने के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वे अपनी भाभी के प्रेमी राधेश्याम से मिलने के लिए प्लान बनाने लगी। जब सुबह हुआ और फिर सुबह से रात हुई तो प्लान के तहत गुड़िया परिवार वालों के सोने के बाद पूरे घर का लाइट ऑफ कर दिया और अपनी भाभी के मोबाइल से फोन लगाकर उससे मिलने के लिए उसे अपने घर बुला लिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे अफेयर YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब जैसे ही रात के 12 बजे और राधेश्याम अपनी महबूबा राधिका से मिलने उसके घर पहुंचा तो वैसे ही अंधेरे घर का फायदा उठाकर गुड़िया तुरंत उसे अपने रूम में लेकर चली आई और सलवार का नारा खोलकर उसके साथ 61-62 करने लगी। गुड़िया अभी कुंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, वह अपने जीवन में पहली बार 61-62 गेम खेल रही थी, इसलिए अपनी भाभी के प्रेमी राधेश्याम के पप्पू को बहुत कठिनाइयों से झेल रही थी। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीता तो उसे बहुत आनंद आने लगा, जिसके चलते गुड़िया तुरंत उसे अपनी बाहों में भरकर खुद बखुद 61-62 करने लगी। इस बीच गुड़िया ना चाहते हुए भी अपनी भाभी के प्रेमी राधेश्याम के साथ 61-62 गेम खेलने के दौरान जोर जोर से आहू की आवाजें निकालने लगी। अब जैसे ही गुड़िया भाभी के पड़ोसी प्रेमी राधेश्याम के साथ 61-62 गेम खेलने के दौरान कुछ अजीबोगरीब किस्म की आवाजें अपनी जुबान से निकाली और उसकी भाभी के प्रेमी राधेश्याम ने सुना तो वैसे ही वे तुरंत भौचक कर रह गया और अंदर ही अंदर सोचने लगा, ये तो हमारी पड़ोसन राधिका नहीं बल्कि उसकी ननंद गुड़िया है। अब मैं क्या करूँ, मैं तो मिलने आया था अपनी पड़ोसन राधिका से, लेकिन मिल बैठा उसकी ननंद गुड़िया से। कहीं ये बात हमारी पड़ोसन राधिका को पता चल गई तो फिर वह मुझसे नाराज हो जाएगी, ऐसा सोच ही रहा था राधेश्याम। तभी उसकी पड़ोसन की ननंद गुड़िया मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, क्या सोच रहे हो राधेश्याम, ये वक्त सोचने का नहीं है बल्कि प्यार करने का है। मौसम बहुत सुहाना है और कमरे में अंधेरा भी है, खड़ा करो अपने पप्पू को और आज हमारी कुंवारी पना दूर कर दो। जवान खूबसूरत पड़ोसन की ननंद गुड़िया के मुँह से अब जैसे ही उसका पड़ोसी राधेश्याम इस तरह की बातों को सुना तो वैसे ही उससे रहा नहीं गया और वह सोचने लगा, अब चाहे जो हो लेकिन अपनी पड़ोसन राधिका की ननंद गुड़िया की कुंवारा पंदूर करके ही रहूंगा। ऐसा सोचकर राधेश्याम एक कदम आगे निकाला और लगातार धक्के पर धक्का और छक्के पर छक्का मार मार कर 61-62 गेम खेलने लगा। गुड़िया अभी कुंवारी थी, वह उसके एक्टिविटी को सहन ना कर सकी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी राधेश्याम बोला, ऐसा मत करो गुड़िया, नहीं तो तुम्हारी भाभी जा जाएंगी तो फिर हमारा क्या होगा। जिसके बाद गुड़िया बोली, क्या करूं बाबुआ, आनंद इतना आ रहा है तुम्हारे साथ कि मेरी आवाजें अपने आप निकल रही हैं। ऐसा करो तुम मुझे घर से बाहर कहीं दूर ले चलो, फिर हम दोनों वहां पर बिना किसी भय के 61-62 गेम आराम से खेलेंगे। जिसके बाद उसकी भाभी का प्रेमी राधेश्याम बोला, तुम ठीक कह रही हो गुड़िया, यहाँ पर उतना मजा नहीं आता है जितना मजा खुले आसमान के नीचे आएगा। ऐसा कहकर राधेश्याम अपनी प्रेमिका की ननंद गुड़िया को लेकर उसके घर से बाहर करीब 2 किलोमीटर दूर एक बगीचे में लेकर चला गया, जहां गुड़िया को अपनी बाहों में भरकर भरपूर मजा देने लगा। गुड़िया पहली बार अपने जीवन में 61-62 गेम खेल रही थी, इसलिए उसे कठिनाइयों के साथ साथ भरपूर मजा भी आ रहा था, जिसके चलते गुड़िया ने भाभी के पड़ोसी प्रेमी राधेश्याम से दूर हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मगर जब 61-62 गेम खेलते खेलते रात के 2 बज गए तो उसकी भाभी का प्रेमी राधेश्याम उसे किसी तरह समझा बुझाकर उसके घर ले आया और उसे उसके घर पर छोड़कर वापस अपने घर चला गया। जब सुबह हुआ तो राधेश्याम अपने मन के अंदर विचार करने लगा, अब तो हमारे दोनों हाथों में लड्डू है, चाहे दाहिने हाथ का खा या फिर बाएं हाथ का खा, मिठास तो एक से एक बढ़कर आएगा। क्यों ना आज इतनी समय अपनी पड़ोसन राधिका से
मिली हूँ और उसकी ननद गुड़िया से रात में मिल लूंगा, क्योंकि उसका पति और ससुर दोनों घर से बाहर प्रदेश में है। ऐसा सोचकर राधे श्याम तुरंत अपनी पड़ोसन राधिका के पास फोन लगा दिया और बोला, क्या कर रही हो? हमारी प्रेमिका राधिका, इस समय तुमसे मिलने का हमारा बहुत मन कर रहा है, कहो तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर आ जाता हूँ और तुम्हारे साथ बंद कमरे में अपनी जिस्म की प्यास बुझा लेता हूँ। तभी उसकी पड़ोसन प्रेमिका राधिका बोली, नहीं राधे श्याम, इतनी समय तुमसे मिलने का हमारे पास मौका नहीं है, क्योंकि हमारी ननद और सास दोनों घर पर ही है और ऐसे में तुमसे मिलना सही नहीं रहेगा। तभी उसका पड़ोसी प्रेमी राधे श्याम बोला, तुम अपनी ननद गुड़िया के लिए चिंता मत करो, उसे तुम्हें देख लूंगा, बस तुम अपनी सास को किसी तरह कुछ समय के लिए घर से बाहर भेज दो, फिर हम दोनों का काम आराम से बन जाएगा। पड़ोसी प्रेमी राधे श्याम के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसकी पड़ोसन राधिका मान गई है और बोली, अभी तुम फोन को रखो, मैं तुमसे मिलने के लिए कुछ रास्ता ढूंढती हूँ। ऐसा कहकर राधे श्याम की पड़ोसन राधिका फोन को कट कर दिया और सोचने लगी, कैसे मैं अपनी सास और ननद दोनों को घर से बाहर भेजूं। इस तरह की बातों को वे अपने मन के अंदर विचार कर ही रही थी, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया और प्लान के तहत वे अपनी सास और ननद दोनों को कुछ रुपए देकर अपने लिए साड़ी लाने के बहाने गांव से बाहर चौराहे पर भेज दिया और बोली, हमारे अलावा जो सामान तुम्हें भी जरूरत होगी वह भी ले आना। जिसके बाद उसकी सास और ननद दोनों बोली, ठीक है राधिका, तुम घर देखो, मैं चौराहे पर जाकर सामान ले आती हूँ। ऐसा कहकर राधिका की सास और ननद दोनों घर से बाहर चौराहे पर चली गई। उधर राधिका मौका देखकर अपने पड़ोसी प्रेमी राधे श्याम के पास फोन लगाकर उसे अपने घर बुला लिया और कमरे में ले जाकर भूखे प्रेमी की भूख मिटाने लगी। घर पर कोई नहीं था, राधिका सिर्फ अकेली थी, इसलिए वह भय मुक्त होकर अपनी पड़ोसन प्रेमिका राधिका के साथ 61-62 गेम खेलने लगा और जब तक खेलता रहा कि जब तक उसकी प्रेमिका मन मस्त होकर उसे अलग नहीं हो गई। इस तरह राधे श्याम मौका मिलने पर अपनी पड़ोसन को दिन में और उसकी जवान खूबसूरत ननद को रात में शारीरिक सुख देने लगा, जिसके चलते दोनों उससे बेहद खुश हो गई और खुश होकर एक दूसरे की चोरी छुपे पड़ोसी राधे श्याम के साथ अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने लगी। राधे श्याम भी मजबूत बदन वाला था, वे थकने का नाम नहीं ले रहा था और दोनों के साथ बारी बारी से मौका निकालकर एक दूसरे की चोरी छुपे 61-62 गेम खेलने में लगा हुआ था। इस तरह हर दिन हर रात पड़ोसी पड़ोसन और उसकी ननद तीनों के बीच यह 61-62 वाला प्रोग्राम चलता रहा। मगर कहते हैं दोस्तों, सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। ठीक ऐसे ही हुआ। एक रात जब राधे श्याम अपनी पड़ोसन राधिका के सोने के बाद उसकी ननद गुड़िया के बुलाने पर उसके घर पहुंचा और गुड़िया को उसके बेडरूम में ले जाकर 61-62 गेम खेलना प्रारंभ किया, तो वैसे ही गुड़िया अपनी भाभी के प्रेमी राधे श्याम के एक्टिविटी को सहन ना कर सकी और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसके चलते बगल के रूम में सोई हुई उसकी भाभी राधिका की आँख खुल गयी और टॉर्च की रोशनी में अपने प्रेमी पड़ोसी को कुंवारी ननंद के साथ 61-62 गेम खेलते हुए आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथ पकड़ लिया। अब जैसे ही राधिका अपने पड़ोसी प्रेमी राधे श्याम को कुंवारी ननंद गुड़िया के साथ उल्टी सीधी हरकतें करते हुए देखी, तो वे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई और तुरंत पड़ोसी प्रेमी राधे श्याम को पकड़ कर मारने लगी और बोली, इसलिए तुम मुझसे कह रहे थे कि अपनी ननंद गुड़िया की टेंशन मत लो, मैं उसे संभाल लूंगा, आज मुझे तुम्हारी असलियत पता चली। ऐसा करो, अब तुम हमारी निगाहों से दूर हो जाओ और कभी जीवन में अपनी ये दगाबाज शक्ल मुझे मत दिखाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर राधिका तुरंत उसे मार पीट कर अपने घर से भगा दिया। तो दोस्तों, आप आपराधिक मानसिकता को समझें और आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति